गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का प्रजापति स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पर। सो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं डेली एग्जाम डोज का वीडियो नंबर 8। इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे 35 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को कंप्लीट देखना और कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। सिनोनिम्स और एंटोनिम्स की वीडियो आपके लिए ऐसी और लेकर आनी है क्या? ठीक है, तो इस वीडियो को पूरा देखें, वीडियो बहुत मज़ेदार होने वाली है। तो सबसे फर्स्ट हमारा हम शुरुआत करते हैं द प्रैक्टिस ऑफ गिविंग बेस्ट जॉब्स टू द मेंबर्स ऑफ वंस फैमिली। इसका मतलब क्या हुआ कि द प्रैक्टिस ऑफ गिविंग बेस्ट जॉब टू द मेंबर्स ऑफ वंस फैमिली मतलब क्या होता है? नेपोटिज्म। नेपोटिज्म का मतलब होता है भाई भतीजावाद। क्या होता है? नेपोटिज्म का मतलब भाई भतीजावाद। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अस्सी विद स्मॉल ग्रुप ऑफ आइसलैंड। अस्सी विद अ स्मॉल ग्रुप ऑफ आइसलैंड यानी कि एक ऐसा समुद्र जो क्या हो, एक आइसलैंड द्वीपों का क्या हो, समूह। क्या होता है? द्वीपों का समूह, वो क्या कहलाता है आपका? आर्कियोपीलेगो। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। वन हु ऑलवेज टॉक्स अबाउट हिमसेल्फ, एक ऐसा व्यक्ति जो हमेशा स्वयं के बारे में बात करता है। तो सोचो आप कोई व्यक्ति है और वो हमेशा खुद ही खुद की भलाई करता रहता है, यानी खुद के बारे में बताता रहता है, तो आप उसे क्या कहते हैं? उस व्यक्ति को क्या बोलेंगे आप? घमंडी। क्या बोलेंगे? यानी अपनी खुद की वो बढ़ाई करता है तो उसे क्या बोल देंगे हम? इगोटिस्ट। क्या बोलते हैं? इगोटिस्ट, यानी कि सेल्फिश हम उसे बोल सकते हैं, खुद की बढ़ाई करने वाला। नेक्स्ट देखिए, स्टडी ऑफ वर्ड्स एंड द वे वर्ड्स डेवलप, पीई आएगा यहाँ पर। ये आपको स्टडी ऑफ वर्ड्स एंड वे वर्ड्स डेवलप यानी डेवलप करनी है। क्या है आपकी फिलोसोफी, क्या है आपकी फिलोलॉजी, क्या है फिलोलॉजी। ठीक है, ये इसकी पीडीएफ है आपको कहाँ पर? टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगी, आप वहाँ से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने दे रखी है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या आता है आपका? कट और टीयर इनटू लॉन्ग थिन पीसेस यानी कि किसी भी चीज़, कोई बड़ी चीज़ है और उसको पीस छोटे छोटे टुकड़ों में काट देना, वो क्या कहलाता है आपका? स्लाइस, यानी वो क्या होते हैं आपके? टुकड़े, छोटे छोटे पीसों में काटना, वो क्या कहलाते हैं आपके? टुकड़े, राइट। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका वन हु इजीली गिव्स अप हिज पार्टी और प्रिंसिपल्स यानी कि एक ऐसा व्यक्ति जो अपनी पार्टी या अपने प्रिंसिपल्स, जो रूल्स हैं, उनको इजीली त्याग देता है। ठीक है, तो वो क्या कहलाता है? उसे हम कहते हैं दलबदलू। क्या कहते हैं? दलबदलू। जो आपका संविधान है उसकी अनुसूची 10, कौन सी अनुसूची? 10 के अंदर ये दलबदल का प्रावधान है, तो उसे हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे? टर्न कोट। क्या बोलेंगे इंग्लिश में? टर्न कोट। नेक्स्ट देखिए, सेवन नंबर क्या है? फिट टू बी इटन यानी कि एक ऐसी चीज जो खाने योग्य हो उसे हम क्या बोलेंगे? इडिबल। क्या बोलेंगे उसे हम? इडिबल। नेक्स्ट देखिए, वन हु ईट्स बोथ वेजिटेबल एंड मीट, एक ऐसा व्यक्ति जो वेजिटेबल भी खाता है और मीट भी खाता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? ओमनिवोरस। क्या बोलते हैं? ओमनिवोरस, यानी कि सर्वाहारी। क्या बोलते हैं उसे? सर्वाहारी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्या है आपका? ए मैन हैविंग नो हेयर ऑन द स्कैल्प यानी कि कोई उसके क्या ना हो, बाल ना हो उसके सिर पर, वो क्या कहलाता है? गंजा, बाल्ड। क्या कहलाता है? बाल्ड। नेक्स्ट देखिए, एन इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट यानी कि दूरी पर जो रखे ऑब्जेक्ट है उनको देखने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है, तो वो क्या कहलाता है आपका? टेलीस्कोप। क्या कहलाता है? टेलीस्कोप, यानी कि दूरदर्शी। नेक्स्ट देखिए, वन हु नोज और सीज एवरीथिंग, ऐसा व्यक्ति जो सब कुछ जानता है। ठीक है, सब कुछ जानता है और सब कुछ देखता है, तो वो क्या कहलाता है? ओमनीसेंट, यानी कि हम उसे कह सकते हैं सर्वत्र। क्या कह सकते हैं उसे हम? सर्वत्र, सर्वज्ञ। ठीक है, सर्वज्ञ। नेक्स्ट आपका आता है वन हु स्पीक्स फॉर अदर्स यानी कि जो दूसरों के सामने बोलता है वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है स्पोक्समैन। क्या कहलाता है वो? स्पोक्समैन। नेक्स्ट देखिए, टू ऑफिशियली टेक प्राइवेट प्रॉपर्टी अवे टू सीज, टू ऑफिशियली टेक प्राइवेट प्रॉपर्टी
अवे टू सीज, किसी की प्रॉपर्टी है उसको जब्त कर लेना, किसी की प्रॉपर्टी है उसको ऑफिशियली जब्त करना। किस तरह से जैसे सरकार गवर्नमेंट करती है ऑफिशियली जब्त करना, वो क्या कहलाता है? कॉन्फिस्केट। क्या कहलाता है? कॉन्फिस्केट। ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में तो आता ही है, लेकिन ये एंटोनिम्स सिनोनिम्स के अंदर भी ये क्वेश्चन कई बार देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है? वन हु इज अनेबल टू पे वंस डेब्ट। एक ऐसा व्यक्ति जो अपना, यानी कि जो अपना ऋण होता है उसे देने में समर्थ ना हो, तो वो क्या कहलाता है? दिवालिया। उसे हम हिंदी में कहते हैं बैंक करप्ट। क्या कहते हैं उसे हम? बैंक करप्ट। तो बहुत अच्छा वर्ड है, कई बार ये एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एनिमल विच लिव इन वाटर। ऐसे जानवर, ऐसे एनिमल जो वाटर के अंदर रहते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं? वो कहलाते हैं आपके एक्वेटिक। क्या कहलाते हैं? एक्वेटिक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टू गेट और ऑब्टेन समथिंग। टू गेट और ऑब्टेन समथिंग यानी कि कुछ प्राप्त करना, कुछ अचीव करना, वो क्या कहलाता है आपका? अटेन। क्या कहलाता है? अटेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाइफ स्टोरी ऑफ अ मैन रिटन बाय हिमसेल्फ। एक मतलब कि एक कहानी जो कि व्यक्ति के खुद के द्वारा लिखी जाती है, तो वो क्या कहलाती है? उसकी ऑटोबायोग्राफी। क्या कहलाती है? ऑटोबायोग्राफी। आपने सुना होगा सचिन की ऑटोबायोग्राफी और महेंद्र सिंह धोनी की, तो इन सभी की ऑटोबायोग्राफी यानी कि वो हैंड रिटन होती है, खुद के द्वारा वो लिखी होती है। ठीक है। नेक्स्ट है, कंसर्निंग लाइफ इन अ सिटी यानी कि शहरी जीवन। शहरी जीवन क्या कहलाता है? अर्बन। क्या कहलाता है? अर्बन। नेक्स्ट देखिए, अ को वर्कर इन एन ऑफिस ऑफ इंस्टीट्यूशन और इंस्टीट्यूशन यानी कि एक ऐसा व्यक्ति जो ऑफिस में या इंस्टीट्यूट में साथ में काम करता है, वो क्या कहलाता है? वो क्या कहलाता है? वो रहता है आपका कॉलेज। आपने एक वर्ड सुना होगा कोलेबोरेशन। क्या होगा? कोलेबोरेशन। कई यूट्यूबर लोग हैं जो कोलेबोरेशन करते हैं, यानी कि वो मिलकर करते हैं, कोई ना कोई वीडियो बनाते हैं, कुछ भी करते हैं, तो वही आपका उसी से वर्ड संबंधित है। ये क्या है? कॉलेज। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट, ऑपरेशन ऑफ द बॉडी आफ्टर डेथ। जब कोई भी व्यक्ति मर जाता है, उसके बाद उसकी जो बॉडी की क्या होती है? चेकअप होता है, ऑपरेशन होता है, वो क्या कहलाता है? पोस्टमार्टम। क्या कहलाता है? पोस्टमार्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है आपका, नोट अलाउिंग पॉसिस द लाइट। दो क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट आपके बनते हैं, ध्यान रखना। ठीक है, तो ये दो क्वेश्चन आपके कौन कौन से बनते हैं, दो मैं आपको बता देता हूँ। पहला क्वेश्चन तो आपका बनता है, देखिए, एक ऐसी जगह जिसके अंदर से कोई भी चीज़ आर पार जाए, वो क्या कहलाती है आपकी? पारदर्शी। क्या कहलाती है? पारदर्शी। ठीक है, और एक ऐसी चीज़ जिसके अंदर से कोई भी चीज़ पार ना जाए, ठीक है, ये तो आपका क्या कहलाता है? ट्रांसपेरेंट। और जिसके अंदर पार नहीं जाता, वो क्या कहलाता है आपका? ओपेक। क्या कहलाता है? ओपेक। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है, दोनों कई बार सिनोनिम्स एंटोनिम्स के अंदर भी आपसे पूछ लिए जाते हैं। राइट, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका, एक्सेसिवली मोरबिड डिजायर टू स्टिल। एक्सेसिवली मोरबिड डिजायर टू स्टिल यानी कि मैं सरल और सब बिल्कुल सीधे शब्दों में कहूं तो चोरी करने की लत। क्या कहलाती है? चोरी करने की लत, वो क्या कहलाती है? क्लेप्टोमेनिया। क्या कहलाती है? क्लेप्टोमेनिया। कई लोग होते हैं उनको चोरी करने की लत लग जाती है, तो वो लत क्या कहलाती है? क्लेप्टोमेनिया। नेक्स्ट है, टू रिड्यूस नथिंग यानी कि कम करने के लिए कुछ भी नहीं है जिसमें, टू रिड्यूस टू नथिंग, तो ये क्या कहलाता है आपका? नल। बिल्कुल क्या हो कहलाता है? नल। नेक्स्ट देखिए, द स्टडी ऑफ वर्म्स एंड इंसेक्ट्स यानी कि कीटों का अध्ययन। क्या कहलाता है? कीटों का अध्ययन, या क्या कहलाता है आपका? एंटोमोलॉजी। क्या कहलाता है? एंटोमोलॉजी। नेक्स्ट देखिए, कंसिस्टिंग ऑफ पार्ट्स ऑफ द सेम काइंड यानी कि एक ही पार्ट के, एक ही वस्तु के दो भाग, वो क्या कहलाते हैं? होमोजीनियस। क्या कहलाते हैं? होमोजीनियस। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपका क्या है? प्लेस ऑफ शेल्टर फॉर शिप्स, जहाँ पर जहाज हैं वो रुकती हैं, वो क्या कहलाता है आपका? बंदरगाह। क्या कहलाता है? बंदरगाह यानी कि प्लेस फॉर शेल्टर फॉर शिप्स, ये क्या कहलाता है आपका? हार्बर। नेक्स्ट है, टॉक दैट ब्रिंग बैड रेपुटेशन टू समबड़ी। टॉक दैट ब्रिंग बैड रेपुटेशन टू समबड़ी, ये क्या कहलाता है आपका? स्कैंडल। क्या कहलाता है? स्कैंडल। नेक्स्ट, द स्टडी ऑफ पॉपुलेशन, क्या कहलाता है? द स्टडी ऑफ पॉपुलेशन यानी कि जनसंख्या की स्टडी करना, ये है आपका डेमोग्राफी। क्या है? डेमोग्राफी।
नेक्स्ट देखिए समथिंग दैट इज हिडन, यानी कि कोई ऐसी चीज जिसे छिपाया जा सके, जिसे हम लोग छिपाते हैं, तो वो क्या होती है हमारी मिस्ट्री, यानी कि उसे हम बोल सकते हैं रहस्य, क्या बोल सकते हैं उसे रहस्य। ओके नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट आपका क्या है, सीरियस क्राइम लाइक मर्डर आर्सन, यानी कि एक ऐसा क्राइम जो कि मर्डर के समान हो, किसके समान हो, मर्डर के समान, तो वो क्या कहलाता है फेलोनी, क्या कहलाता है फेलोनी। नेक्स्ट है सीक्रेट प्लेस कॉन्फिडेंट और डिफिकल्ट टू एक्सेस, यानी कि एक ऐसी जगह जहाँ पर पहुँचना डिफिकल्ट हो, यानी कि जहाँ पर मुश्किल से पहुँचा जा सके, तो वो क्या कहलाता है रेक्सिस, क्या कहलाता है रेक्सिस, राइट। नेक्स्ट देखिए सिग्नेचर ऑन द बैक ऑफ द पेपर और चेक, यानी कि किसी भी पेपर के ऊपर या चेक के ऊपर साइन करना, वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है एंडोर्समेंट, क्या कहलाता है एंडोर्समेंट। नेक्स्ट अ शॉर्ट समरी ऑफ अ बुक और स्पीच, वो क्या कहलाता है आपका एपिटोम। देखिए आपने कोई भी बुक पढ़ी होगी और उस बुक के फर्स्ट पेज पे या लास्ट पेज पे आपको समरी, इंग्लिश में पढ़ोगे तो आपको समरी और हिंदी में पढ़ोगे तो आपको सारांश, ऐसा कुछ लिखा हुआ मिलेगा, तो वो लिखा हुआ होता है वो क्या कहलाता है आपका एपिटॉम, क्या कहलाता है एपिटॉम। नेक्स्ट क्वेश्चन है से अलाउड फ्रॉम मेमोरी, यानी कि एक मधुर आवाज़ क्या कहलाती है वो रिसाइट। नेक्स्ट देखिए राइस और फेल इन द लेवल ऑफ सी, देखिए जो आपके समुद्र होते हैं, मान लीजिए आपका समुद्र है, इसी में पानी का उतार और चढ़ाव, ये क्या कहलाता है टाइड, ठीक है, ये पानी का उतार एंड चढ़ाव क्या कहलाता है, इसे हम टाइड बोलते हैं, इसे हम ज्वार भाटा भी बोलते हैं। आपने एक कहावत सुनी होगी टाइड एंड टाइम्स नॉट वेट, ठीक है, वेट फॉर नन, यानी कि टाइम और टाइड, टाइम्स एक तो समय और एक आपका क्या होता है टाइड, यानी कि उतार चढ़ाव कभी किसी का वेट नहीं करते हैं। तो गाइज आज के वीडियो में बस इतना ही, यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें, क्योंकि आपका एक लाइक हमें मोटिवेशन देता है, तो वीडियो को जरूर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद जय भारत।